हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सितंबर 2014 का सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज़ के बारे में देखेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गाँव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? तो उसका सही आंसर होगा सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? तो उसका सही आंसर होगा गंगा का दक्षिण क्षेत्र। नेक्स्ट है, भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वे डैश में रहते थे। तो आंसर होगा उत्तर पश्चिम भारत में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के मूल रचना डैश भाषा में हुई थी। तो उसका आंसर होगा संस्कृत में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? तो आंसर होगा संसाधनों के लिए अन्न आखेटक खाद्य संग्राहक समूह से संघर्ष करना। नेक्स्ट है, मानव इतिहास में कौन सा काल यानी युग सबसे लंबा है? तो आंसर होगा पुरापाषाण युग। नेक्स्ट है, डैश में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। तो उसका आंसर होगा मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? तो आंसर होगा चिरांद। नेक्स्ट है, पुरु यदु और भरत का वेदों में उल्लेख डैश की तरह है। तो आंसर होगा जन की तरह। नेक्स्ट है, शफी तथा हनफी है। तो आंसर होगा न्याय के इस्लामी सिद्धांत। नेक्स्ट है, दांती दुर्गा जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया वह था? तो आंसर होगा राष्ट्रकूट प्रधान। नेक्स्ट है, यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? तो मिनहाज ए सिराज इसमें लिखा है। एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मौसिम तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान है, वह दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई? तो आंसर होगा महलवारी बंदोबस्त। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी? तो आंसर होगा युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी जिससे भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है? तो आंसर होगा लद्दाख। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, प्रदीप्ति वृत्त है। तो आंसर होगा वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है। नेक्स्ट है, पारंपरिक रूप से चिन्हित ए को दर्शाता है। तो आंसर होगा पश्चिम। लक्षद्वीप द्विसमूह डैश में स्थित है। तो आंसर होगा अरब सागर में। नेक्स्ट है, ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोस डैश है। तो आंसर होगा एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। नेक्स्ट है, कोलकाता बंदरगाह डैश पर स्थित है। आंसर होगा हुगली नदी पर। नेक्स्ट है, संसार में
किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, लद्दाख में पाया जाने वाला कंपास डैश है? आंसर होगा बौद्ध विहार यानी मंदिर। नेक्स्ट है, चित्र प्रस्तुत करता है, चित्र देखिए तो यह चित्र चक्रवाती वर्षा है। नेक्स्ट है, कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है? तो आंसर होगा इस्पात। नेक्स्ट है, ऑर्गेनिक खेती में प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो आंसर होगा खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित और तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? तो आंसर होगा सीएनजी। बैरामीटर का प्रयोग डैश होता है? तो आंसर होगा वायुमंडल लिए दाब को मापने के लिए। नेक्स्ट है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस डैश में आया? तो आंसर होगा केरल में। नेक्स्ट है, जुलू क्या है? जुलू दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग है? तो आंसर होगे तीन। संघवाद से तात्पर्य है? तो आंसर होगा देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना। नेक्स्ट है, एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो इससे कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? तो स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है, राज्यसभा में अधिकतम डैश हो सकते हैं? तो आंसर होगा 245 सदस्य। यदि हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट है, भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य डैश है? तो आंसर होगा संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। नेक्स्ट है, मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव है, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से एक सही नहीं है? तो आंसर होगा निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट है, चक्रीय चित्र ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को प्राप्त विशेष रोजगार के अवसर प्रदर्शित करता है, वे कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य है? तो आंसर होगा 5 माह। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें विद्यार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं डैश कहा जाता है? तो आंसर होगा समाजमितीय तकनीक। नेक्स्ट है, कौन इनमें से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है? तो आंसर होगा उत्पादक। नेक्स्ट है, एक चुनाव के दौरान उसके दो की भूमि को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे ज्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे? तो आंसर होगा प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं और उसकी सर्वाधिक धन समर्थन कार्य नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशंसित करेंगे? तो आंसर होगा नाटक। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सूचक मानस की नींव रखता है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का NCF आधार पत्र डैश पर बल देता है? तो आंसर होगा सतत आकलन।
नेक्स्ट है, छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़ों का उदाहरण है? तो आंसर होगा प्राथमिक आंकड़े। नेक्स्ट है, अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया डैश कही जाती है? तो आंसर होगा निगमन। नेक्स्ट है, एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्ष में आने वाले बदलाव को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त है? तो आंसर होगा दंड आरेख। नेक्स्ट है, समय वयस्कों के ज्ञान और पांडित्य के महत्व को समझने को किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है? तो आंसर होगा रचनावादी। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिसे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए? तो आंसर होगा विद्यार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना। नेक्स्ट है, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को, तो उसका आंसर होगा सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। नेक्स्ट है, समानता के बारे में पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है? तो आंसर होगा गरीबी और पूंजीवाद के विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य देना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नियमों विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? तो आंसर होगा समूह चर्चा। व्यवहार के निम्नलिखित वर्णन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिरुचियों और मूल्यों को आकलन में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो आंसर होगा प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभूत करना। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे? तो आंसर होगा शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना। नेक्स्ट है, शिक्षक शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? तो आंसर होगा ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठ विद्यार्थियों की भूमिका निर्वाह कर रहे हैं हो। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक वैयक्तिक अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह डैश, तो उसका आंसर वह उसकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं? शैक्षणिक पृष्ठभूमि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है? तो आंसर होगा बहुलता और विविधता के लिए समान। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।